हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन पवन वाघ एकेडमी. माई सेल्फ धन्वंतरी देशमुख. टुडे अगेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट सम सब टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स. इन अवर यस्टरडेज लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अप टू इम्प्लांटेशन और वी केम अप टू इम्प्लांटेशन. देयर वी जस्ट सेड नाउ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड. ऐसे हमने कहा था. क्या कहा था हमने? कि अब एम्ब्रियो वहाँ पे इम्प्लांट हो चुका है. कहाँ पे? यूटेरस में. और एम्ब्रियो कहाँ पे इम्प्लांट होगा यूटेरस में? यूटेरस के फंडस के रीजन में एम्ब्रियो आके इम्प्लांट होगा. अब हमने बस कह तो दिया कि इम्प्लांट हो चुका है, बट वो इम्प्लांट होते वक्त और क्या क्या प्रोसेसेस उसमें होते हैं वो हम आज पहले देखेंगे और उसके बाद हम गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. नाउ इम्प्लांटेशन पहले स्टार्ट करेंगे. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इम्प्लांटेशन हो चुका है. अब हम देखेंगे एक्चुअल ये इम्प्लांटेशन होगा कैसे. अब इम्प्लांट होना है, किसी चीज़ को कहीं पे इम्प्लांट होना है, मतलब क्या होना है? उस चीज़ को वहाँ जाके स्टिक हो जाना है. बट यहाँ पे एक एम्ब्रियो है, उसे यूटेरस के फंडस रीजन में जाके बस स्टिक नहीं होना है, बस वहाँ पे जाके रहना नहीं है, बट उसे वहाँ पे जाके उस यूटेरस के फंडस के रीजन में जाके एम्ब्रियो को आगे डेवलप भी होना है. आगे उसके अंदर गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस भी होगा, उसके बाद उसे प्लासेंटा भी फॉर्म करना है और उसके बाद उसे ऑर्गेनोजेनेसिस भी करना है. तो ये सारी चीज़ें उसे कहाँ जाके करनी है? एम्ब्रियो को ये सारी चीज़ें यूटेरस के फंडस वाले रीजन में जाके करनी है. अब सबसे पहले देखेंगे इम्प्लांटेशन एक्चुअली होगा कैसे. तो इम्प्लांटेशन में सबसे पहले हमने क्या देखा, किसका सबसे बड़ा रोल था, कौन सी लेयर का? जो लेयर थी, किसकी लेयर? जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा. अब ये जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है वो क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी. और वो रप्चर होने के बाद वो जो एम्ब्रियो है gets implanted in the fundus region, in the fundus fundus region of uterus. देखिए, अब आपको यहाँ पे कौन सी चीजें याद रखनी है? जोना पेल्यूसिडा को याद रखना है और उसके बाद एम्ब्रियो के फंडस के रीजन में, नॉट एम्ब्रियो के, यूटेरस के फंडस के रीजन में जाके एम्ब्रियो क्या होने वाला है? इम्प्लांट होने वाला है. बट इम्प्लांटेशन के पहले वाला प्रोसेस क्या होता है? रप्चरिंग ऑफ जोना पेल्यूसिडा की लेयर. जोना पेल्यूसिडा की लेयर जब तक रप्चर ना हो जाए तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा. क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा है जोना पेल्यूसिडा का काम क्या था, कि दैट लेयर वो प्रिवेंट कर रही थी जोना पेल्यूसिडा. किस बात से? जोना पेल्यूसिडा जो है वो एम्ब्रियो को किसी गलत जगह पे स्टिक होने से या इम्प्लांट होने से वो रोक रही थी, उसे प्रिवेंट कर रही थी. तो अब एक प्रॉपर प्लेस पे एम्ब्रियो जो है वो आ चुका है और अब उसे वहां पे आके इम्प्लांट होना है. और अगर आप उसे प्रॉपर प्लेस मिल गई है तो क्या हो जाएगा? जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे आके रप्चर हो जाएगी. अब उसके आगे जाके क्या होगा वो देखते हैं. अब वहाँ पे हमने तो कह दिया कि इम्प्लांट हो गया है एम्ब्रियो, बट एक्चुअल क्या इम्प्लांट होगा वहाँ पे, ये देखते हैं. देखिए, अब इम्प्लांट क्या होगा? क्या देखा था हमने?
ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो गया था. ओके, और अब देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट कैसा था. ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होने के बाद वहां पे एक ब्लास्टोसील करके कैविटी फॉर्म हो गई थी. देखिए जैसे कि यह है एम्ब्रियो, इसके अंदर सब तरफ से क्या थे, सेल्स थे, और ये जो सेल्स है यहां पे अंदर एक ब्लास्टो सील कैविटी फॉर्म हो गई थी. ओके, तो आगे जाके ये जो ब्लास्टोसिस्ट है अब ये क्या करने वाला है, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, अभी गेट्स इम्प्लांटेड. कहाँ इम्प्लांट होगा, फंडस की रीजन में तो होगा, बट किस लेयर में होगा यूटेरस के, गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम, इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि एंडोमेट्रियम ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ फंडस रीजन, फंडस रीजन ऑफ यूटेरस. ओके, अब यहां पे क्या आ चुका है, एंडोमेट्रियम को भी आपने देखा, एंडोमेट्रियम भी में क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन होगा एम्ब्रियो का, और साथ में किसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट का होगा, और किस रीजन में होगा, यूटेरस में होगा. ओके, और उसके फंडस रीजन में होगा. हो गया, ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ब्लास्टोसिस्ट, एंडोमेट्रियम और फंडस रीजन ऑफ यूटेरस. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे होने क्या वाला है, अब जो यूटेरस के अंदर जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इट विल गेट टोटली एम्बेडेड इनसाइड द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, और वो जब तक पूरी तरह से अंदर ना चला जाए उस एंडोमेट्रियम के लेयर के, तब तक वी कांट से कि एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर टोटली एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो चुका है. जब ये पूरी तरह अंदर चला जाए एंडोमेट्रियम लेयर के, तभी और तभी ही हम बोल सकते हैं कि इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. मतलब अब तक क्या हुआ है, बस वो उसके पास गया है, थोड़ा सा अंदर चला गया एंडोमेट्रियम में, बट अब तक इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ. तो अभी आगे जाके क्या होगा, अब जो एम्ब्रियो है वो अटैच तो होगा, बट कैसे अटैच होगा, एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम एट विच पोल, इट गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम को अटैच तो होगा क्योंकि अभी इम्प्लांट होना है उसे, बट वो किस साइड से अटैच होगा. देखिए हमने क्या क्या देखा, ब्लास्टोसिस्ट था, उसके बाद हमने देखा वो अटैच कहाँ पे होगा या फिर कहाँ पे इम्प्लांट होगा, एंडोमेट्रियम में, फंडस रीजन में, यूटेरस के, बट अब वो किस साइड से होगा, वो कौन सी पोलैरिटी दिखाएगा, वो भी हमें देखना है. ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट किस बात के लिए है, एग्जाम के लिए तो है फाइनल एग्जाम, बट बाय व्हाट सीईटी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू, उन दोनों एग्जाम के लिए भी ये सारी बातें आपको याद रखनी है. ओके, एंडोमेट्रियम बाय एम्ब्रियोनिक पोल, अब ये जो एम्ब्रियोनिक पोल करके हम बोल रहे हैं ये एक्चुअली है क्या, व्हाट इज दिस एम्ब्रियोनिक पोल,
होता क्या है एम्ब्रियोनिक पोल। अब एम्ब्रियोनिक पोल मतलब क्या होगा समझो। अब अगेन आई विल ड्रॉ द डायग्राम हियर। देखिए अगर यहाँ पे मैंने कल आपको बोला था या फिर इसके पहले वाले लेक्चर में बोला था आपको क्या, एक मैंने बोला था एनिमल पोल और दूसरा बोला था वेजिटल पोल, ओके। और इसमें क्या था, उसकी खासियत क्या थी? एनिमल पोल हम किसे बोलते हैं, जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे हम एनिमल पोल बोलेंगे, और जहां पे योक प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल। जहां पे योक होगा उसे हम वेजिटल पोल बोलेंगे। तो अब क्या होने वाला है, एम्ब्रियोनिक पोल, ओके। तो एम्ब्रियोनिक पोल मतलब कौन सी जगह है जहां पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, उसे बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पोल। और अगेन यही एनिमल पोल को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक पोल। ये ऐसी जगह है जहां पे एम्ब्रियो जो है वहां पे उसकी डेवलपमेंट होगी। अब आगे जाके जैसे जैसे आपको पता चलेगा उसमें क्या क्या होगा तब आपको वो आइडिया सारी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस था और उस न्यूक्लियस में हमने अभी देखा आगे जाते जाते कि डिवीजन बहुत सारी हुई है, क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद बहुत सारे डिवीजन हुई। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहा है, तो अब यहाँ पे इस न्यूक्लियस का क्या बन चुका है, अब इस न्यूक्लियस को हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे है अभी, ये वाला है, इसे हमने समझो इसे यहां से बाहर निकाला है। तो यहाँ पे ये वाला है एम्ब्रियो, अब इसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। और ये वाला एम्ब्रियो है डायरेक्टली कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल पोल के जगह में, और उसे ही हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पोल। डू यू गॉट क्लियर्ड विथ व्हाट इज एनिमल पोल एंड व्हाट इज एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल और एनिमल पोल दोनों भी एक ही है, बस जहां पे न्यूक्लियस था उसे हम पहले एनिमल पोल करके बुला रहे थे, और अब आगे जाके उस न्यूक्लियस में हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा क्या देखा कि वहां पे जायगोट फॉर्म हो गया इस न्यूक्लियस से, और आगे जाके वो न्यूक्लियस का क्लीवेज हुआ, मतलब डिविजन्स हुए बहुत सारे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे डिविजन्स होने के बाद उसका मोरूला फॉर्म हुआ, उसके बाद ब्लास्टुला फॉर्म हुआ, और अब आगे की डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, ओके। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे अभी, एम्ब्रियो, और यहाँ पे हम न्यूक्लियस ना बोल के इसे एम्ब्रियो बोलेंगे, और यहाँ पे एनिमल पोल ना बोल के एम्ब्रियोनिक पोल करके बुलाएंगे। गॉट इट, डू यू गॉट क्लियर विद दिस आइडिया। अब देखते हैं आगे का। अब देखिए एम्ब्रियो अटैच तो हो जाएगा यूटेरस को, बट वो कैसे अटैच होगा, एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ से, मतलब इस पोल की तरफ से वो क्या हो जाएगा, अटैच। मतलब समझो ये है यूटेरस और ये वाला है एम्ब्रियोनिक पोल, तो हमने अभी ऐसा किया है, ये वाला एम्ब्रियोनिक पोल और ये वाला क्या रखा है हमने, वेजिटल पोल। बट वो जो एम्ब्रियो है, समझो ये यूटेरस की वॉल है, एंडोमेट्रियम की लेयर है, ये क्या हो जाएगा, ऐसा जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इस वॉल को, ओके। किस पोल से, इस तरफ कौन सा पोल है, ये वाला जो पोल है वो है एम्ब्रियोनिक पोल, क्योंकि यहाँ पे अब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और नीचे की तरफ योक है, और यहाँ पे ये है न्यूक्लियस की, नॉट न्यूक्लियस, यूटेरस की वॉल, और यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ओके, गॉट इट। अब आगे का देखते हैं। अब आगे जाके हमें ये भी पता चला कि कहाँ पे किस तरफ से कैसे अटैच हो जाएगा। अब आगे जाके देखते हैं इसमें होने के हाल। अब यहाँ पे कुछ सेल्स है जिनका नाम है ट्रोफोब्लास्ट सेल, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे, क्या थे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो क्या करेंगे, अभी डिवाइड करेंगे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स विल डिवाइड, और वो डिवाइड क्यों होने वाले हैं,
क्योंकि कुछ तो भी फॉर्मेशन होने वाला है अब, तो वो अगर डिवाइड होंगे यहाँ पे तो नया कुछ फॉर्म करेंगे, तो क्या फॉर्म करेंगे वो देखते हैं। डिवाइड्स रैपिडली, ओके, जल्दी जल्दी डिवाइड हो जाएंगे रैपिडली, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू फॉर्म एंड फॉर्म्स टू डिस्टिंक्ट लेयर्स, दो अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन होने वाला है यहां पे, टू डिस्टिंक्ट लेयर्स, दो अलग लेयर्स का फॉर्मेशन होगा ओके। तो अब देखते हैं वो लेयर्स एक्चुअल है कौन सी। वो लेयर्स है, सबसे पहले वाली लेयर है कौन से सेल की होगी, वो है टू डिस्टिंक्ट लेयर सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ओके, ये रहे पहले सेल्स की लेयर। बट इनका ओरिजिन कहाँ से है, ये जो सेल्स है फॉर्म हुए हैं वो किससे फॉर्म हुए हैं, ट्रोफोब्लास्ट से ही, इसलिए आगे नाम क्या आ रहा है, ट्रोफोब्लास्ट, और क्या है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अब देखते हैं दूसरे सेल्स कौन से है, दूसरे सेल्स है साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब यहां पे ये दो लेयर्स फॉर्म हो चुकी है सेल्स की, पहली वाली है सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरी है साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये लेयर जो फॉर्म हो चुकी है कहां पे फॉर्म हो गई है, इस एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो के अंदर ये दो लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब वो दो लेयर फॉर्म तो हो चुकी है बट वो कहीं पे यूज होने वाली है, तो वो कहां पे यूज हो जाएंगी, अब वो देखेंगे। अब ये जो है जिसे हम सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं, एक्चुअल उसका मीनिंग क्या होगा वो देखते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, आपको प्रोटोप्लाज्म पता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही प्रोटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई अब दिखने लगेंगे, उसे हम बोलेंगे सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोल सकते हैं हम उसे, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, लेयर ऑफ, इसे हम क्या बोलते हैं, लेयर, वेट अ मिनट, ओके, क्या है ये, अब लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये क्या लेयर है, प्रोटोप्लाज्म की लेयर है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, With many nuclei, बहुत सारे अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट के बारे में। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म होगा मतलब साइटोप्लाज्म की तरह एक सब्सटेंस है, और उसके अंदर जैसे न्यूक्लियस फॉर्म होता है वैसे हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अभी बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट्स है न्यूक्लियस के, पार्ट्स के जैसे, और उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, ओके, और वो न्यूक्लियाई अब उस प्रोटोप्लाज्म में है, इसलिए हम उस सेल के लेयर को क्या करके बुला रहे हैं, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ओके। अब आगे देखते हैं, इससे अगेन हम सिंसाइटम भी बोल सकते हैं, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट को दूसरा नाम, ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंसाइटम, ओके, हम इसे सिंसाइटम भी बोल सकते हैं, किसे, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट को।
अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब यहां पे आके ये वाली जो दो लेयर्स फॉर्म हो चुकी है उसके आगे जाके अब क्या होगा, जैसे कि एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ से क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक पोल देखिए, अब यहां पे ये वाली थी यूटेरस की वॉल और ये वाला था एम्ब्रियोनिक पोल और ये वाला था कौन सा पोल था, वेजिटल पोल। और यहां पे आके अटैच तो हो गया है यहाँ पे एम्ब्रियो, बट अब एम्ब्रियो को वहां पे कुछ एंकरिंग के लिए चाहिए। जैसे समझो अगर हम कुछ पौधा लगाते हैं तो वो पौधे में क्या होता है, रूट्स होते हैं बहुत सारे, तो वो जो रूट्स है वो क्या हो जाते हैं, बाद में फैल जाते हैं, तो वो रूट्स की तरह यहां से क्या होगा, कुछ सेल्स है या फिर कुछ प्रोसेसेस है वो आएंगे और वो अंदर इस एम्ब्रियो को अंदर जाने के लिए मदद करेंगे। तो यहाँ पे एम्ब्रियो आ जाएगा और ये सारी जगह से क्या आएगा, वो रूट्स की तरह प्रोसेसेस आएंगे और वो इस एम्ब्रियो को उस यूटेरस की वॉल में एंकर करेंगे, उसे वो पकड़ के रखेंगे। ओके, अगर वो ना होते तो क्या हो जाता, एम्ब्रियो टूट के नीचे गिर जाता। तो अभी एम्ब्रियो को नीचे नहीं गिरना है यहां से, इस वॉल से, तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, रूट्स की तरह कुछ प्रोसेसेस है वो आएंगे और यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, वहां पे वो पैक हो जाएंगे। ओके, इस तरह से क्या होगा, अब दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो चुका है। तो प्लासेंटा क्या करता है, प्लासेंटा क्या है, एम्ब्रियो के साइड वाला एक कवरिंग है जो एम्ब्रियो को क्या करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा और साथ में मैटरनल ब्लड से या फिर मैटरनल फ्लूइड से या फिर मैटरनल बॉडी से क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा। ओके, अब आगे देखते हैं यहां पे क्या होगा। अब देखिए यहां पे होने क्या वाला है, एंडोमेट्रियम की तरफ जाके एम्ब्रियोनिक पोल जो है वो उस साइड से अटैच हो गया, उसके बाद दो लेयर्स फॉर्म हो गई सेल की और आगे जाके अब क्या होगा कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन होने वाला है। तो वो होगा कैसे, अब ये जो सेंस आइटम थे, मतलब जो हमने पहले वाले सेल्स देखे, कौन से, ये वाले सेल्स है, वो क्या करने वाले हैं आगे, अब नाउ कौन से सेल्स है, सिंसाइटम की जो सेल्स है वो, सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट वाले सेल्स, अब वो करेंगे क्या, सिंसाइटियम क्या करेंगे, विल व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दैट सिंसाइटियम विल फॉर्म अ प्लासेंटा। यहां पे हम लिख देते हैं कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है अब। Formation of placenta. Okay. अब देखते हैं क्या होगा यहां पे। Again, wait. ओके, ओके, नाउ दिस द लेयर ऑफ सेल नोन एज सिंसाइटियम, दैट लेयर ऑफ सेल इज गोइंग टू हेल्प द एम्ब्रियो टू फॉर्म प्लासेंटा। अब प्लासेंटा फॉर्म होने के लिए कौन मदद करेगा, सिंसाइटियम की जो लेयर है सेल्स की वो मदद करेगी। अब देखिए ये क्या करेगी, gives out processes, okay, they will gives out processes और साथ में ही वो क्या करेंगे, which invades, which invades inside
एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। अगर ये सारी बातें आपको एक बार समझ में आ जाए या फिर ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, तो आपने एक बार भी बुक में पढ़ लिया तो ये आपका पिटपैट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे समझो, ये वाली है, यहाँ पे हम लोग डायग्राम एक बार निकालते हैं। देखिए, अगर ये है यूटेरस और यहां पे है ये वाली है एंडोमेट्रियम की लेयर। तो यहां पे जाके क्या होगा, अब ये वाला जो है ये वाला है एम्ब्रियो, और यहां पे अगेन रुकिए, हम एम्ब्रियो ऐसे नहीं निकालेंगे, अब एम्ब्रियो ऐसे गया है और यहां पे आ गया है एम्ब्रियोनिक पोल और ये है वेजिटल पोल। ये वाली है एंडोमेट्रियम और यहां पे क्या हुआ है, अब बहुत सारे प्रोसेसेस देंगे, कौन से सेल्स, ये जो साइड पे साइड में फॉर्म हो जाते हैं, कौन से, सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट, और यहां से क्या निकलेंगे, अब कुछ प्रोसेसेस आएंगे, कैसे, देखिए इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरफ से, ये सारी तरफ से क्या आएंगे, कुछ प्रोसेसेस आएंगे यहाँ पे, और वो यहाँ पे रूट्स की तरह इसे क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, ताकि ये जो एम्ब्रियो है वो एक जगह पे फिक्स हो जाए। गॉट इट? और जैसे ही ये रूट्स के जैसे प्रोसेसेस आ जाएंगे, ये एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, वो अंदर धस जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, किसके अंदर, यूटेरस के एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर ये यूटेरस चला जाएगा। कब, जब यहां पे सिंसाइटियम की लेयर है जो एम्ब्रियो के ऊपर है, जो हेल्प करेगी प्रोसेसेस तैयार करने के लिए, और वो प्रोसेसेस हेल्प करेंगे इस एम्ब्रियो को, किस लिए, ताकि वो अंदर चला जाए एंडोमेट्रियम की लेयर के, और वो वहां पे जाके टोटली इम्प्लांट हो जाए, ताकि वो अगले कुछ महीनों तक उसमें डेवलपमेंट होनी, अभी उसका वेट बढ़ने वाला है, तो अगर ये सारी चीजें उसमें होने वाली है तो क्या होगा, उसे यहाँ पे उसे एकदम पैक होके रहना है, ताकि उसके अंदर आगे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। गॉट इट? अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा प्रोसेसेस तो है, उसको अंदर भी डाला गया है, बट इसके लिए अब आगे जाके और कौन हेल्प करेगा, हमने सबके बारे में पढ़ा, कौन से सेल्स है जो इम्प्लांटेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। अभी अगेन ट्रोफोब्लास्ट के बारे में हमने देखा था, इस स्लाइड में ट्रोफोब्लास्ट के बारे में देखा था, वो डिवाइड हो जाएंगे और वो ये दोनों सेल्स को फॉर्म करेंगे, बट आगे जाके ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है उनके पास क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, उनके पास होगा एक एंजाइम, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के पास एक एंजाइम होगा जिसे बोल सकते हैं लाइटिक एंजाइम, और उससे क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम की वॉल को या फिर वो सेल्स को क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, और ताकि ये जो प्रोसेसेस है वो इन्वेड हो सके और ये जो एम्ब्रियो है वो भी अंदर इन्वेड हो सके। इन्वेड होना मतलब वो अंदर चला जाएगा, एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर चला जाएगा। सीक्रेट्स लाइटिक एंजाइम, लाइटिक
एंजाइम, कौन सी एंजाइम सीक्रेट करेंगे? लाइटिक एंजाइम। ओके, और फिर ये वाला जो लाइटिक एंजाइम है अब ये आगे जाके हेल्प करेगा, किस लिए हेल्प करेगा? ताकि ये जो साइड वाले सेल्स है वो रप्चर हो जाए। ओके, विच रप्चर्स एंडोमेट्रियल लेयर, एंडोमेट्रियल लेयर ऑफ यूटेरस ऑफ। ओके, और जैसे ही वो जो अंदर वाले सेल्स है वो रप्चर हो जाएंगे, फिर ये जो रूट्स जैसे प्रोसेसेस है उन्हें अंदर जाने के लिए एक स्पेस मिलेगी, क्योंकि एक स्पेस तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर सारी स्पेस एंडोमेट्रियम के सेल्स की ही होगी तो आगे ये जो एम्ब्रियो है उसे इम्प्लांटेशन के लिए जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या हो रहा है, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, कहाँ पे है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स? एम्ब्रियो के पास। और वो क्या करेंगे सीक्रेट? एक लाइटिक एंजाइम है। लाइटिक मतलब क्या? जिसके अंदर कुछ एसिडिक एंजाइम्स है जो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करने वाले हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और वो जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ की जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसके जो सेल्स है उसे रप्चर करेगी और वहां पे एक जगह हो जाएगी, और वो जगह क्या हो जाएगा, फिर ये जो प्रोसेसेस हुए हैं आए हैं वो इन्वेड हो जाएंगे अंदर, और उसी के साथ एम्ब्रियो भी अंदर इन्वेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद लास्टली अब क्या होने वाला है यहाँ पे, नाउ होल एम्ब्रियो इज इन्वेडेड इनसाइड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम गॉट इट। अब यहां पे, और यहां पे हम आगे क्या बोल सकते हैं, इम्प्लांटेशन कंप्लीटेड, इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन कंप्लीटेड हो गया कंप्लीट प्रोसेस अब इम्प्लांटेशन का। अब यहां पे जाके इम्प्लांटेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, और साथ में क्या हो गया, प्लासेंटा फॉर्मेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। दोनों चीजें हुई हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ हो रही है, इम्प्लांटेशन भी हो रहा है और साथ में प्लासेंटा का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब आगे देखते हैं। अब आगे जाके, और ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो कौन से डे पर होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद 10th डे पे ये सारा प्रोसेस इम्प्लांटेशन का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, कौन सा देखना है अब आगे हमें, गैस्ट्रुलेशन। क्या देखना है? गैस्ट्रुलेशन। अब हमने पहले से क्या क्या देखा कि मेल एंड फीमेल गैमेट देखे, उसके बाद हमने क्या देखा, उसका फ्यूजन देखा, सिंगगैमी देखा, और उसके बाद, या फिर एम्फीमिक्सिज्म हम भी बोल सकते हैं इसे, और उसके बाद हमने क्या देखा,
एम्फीमिक्सिज्म ह्यूमंस में नहीं बोलेंगे, ओके। और उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट के बाद क्या फॉर्म हुआ, मोरियोला फॉर्म हुआ, उसके बाद ब्लास्टुला फॉर्म हुआ, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद उसका इम्प्लांटेशन हो गया, प्लासेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं गैस्ट्रुलेशन कैसे होगा, ओके। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में एक्चुअल इसकी खासियत क्या है, गैस्ट्रुलेशन में आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा, और आगे जाके इस गैस्ट्रुलेशन में कुछ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के बाद यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होने वाला है। इसलिए गैस्ट्रुलेशन में सारे सेल्स जो है, मतलब डेस्टाइन सेल्स हम बोल सकते हैं, मतलब ऐसे सेल्स, फॉर एग्जांपल अगर कुछ सेल्स है उससे अगर लंग्स बनने वाले हो तो ये वाले सेल्स है, लंग्स बनने वाले सेल्स वो उस जगह पे जाके रुक जाएंगे। अगर कुछ सेल्स है उससे किडनीज बनने वाले हो तो वो किडनीज की जगह पे जाके रुक जाएंगे। मतलब वहां पे क्या हो जाएंगे, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हो जाएंगे। मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी, मतलब कैरेक्टर कुछ, और मूवमेंट मतलब वो जो ऑर्गन है उसके फॉर्मेशन के लिए वो जो सेल्स लगते हैं वो जाके उस जगह पे रुक जाएंगे। इसे बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अब देखते हैं आगे, अब आगे अगेन क्या होने वाला है गैस्ट्रुलेशन में। अब मेन चीज क्या हो जाएगी, नाउ वेट वेट, अब क्या होगा, हमने अब तक क्या देखा कि क्लीवेज हो रहा था, डिवीजन ही हो रहा था, यहां पे भी देखा ब्लास्टुला में भी डिवीजन ही हो रहा था, ट्रोफोब्लास्ट में भी देखा हमने डिवीजन हो गया, दो डिस्टिंक्ट लेयर्स फॉर्म हुई, बट अब आगे जाके डिवीजन कम हो जाएगा, क्या होगा, नाउ प्रोसेस ऑफ डिवीजन स्लोज डाउन, क्या होगा, ये जो प्रोसेस है डिवीजन का वो कम हो जाएगा गैस्ट्रुला में। मेन बात ये होगी गैस्ट्रुला के प्रोसेस को स्टार्ट हो गया है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे डिटेक्ट करेंगे, जब सेल का जो डिवीजन होगा एम्ब्रियो के, वो क्या हो जाएगा, डिवीजन होना स्टॉप हो जाएगा, डेवलपमेंट या ग्रोथ तो हो जाएगी बट अब डिवीजन नहीं होने वाला है, क्योंकि एम्ब्रियो आके एक जगह पे रुक चुका है। अभी बस क्या हुआ है, यहाँ पे क्या होना है, अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे आके यहाँ पे जो भी सेल्स फॉर्म हो चुके हैं अब उससे क्या होना है, उन्हें उनके प्रॉपर प्लेस पे जाना है, ताकि प्रॉपर प्लेस पे जाके उस प्लेस पे वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सके, ओके। तो अब क्या होगा, पहली बात हमने देखी कि यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। अब आगे जाके क्या होगा, और यहाँ पे टू मेन इवेंट्स ऑकर्स इस गैस्ट्रुला स्टेज के लिए, कौन से इवेंट से, यहाँ पे गैस्ट्रुला चेंज की ये प्रोसेस है, ऐसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, ये दो इवेंट जब हो जाएंगे तब हम बोल सकते हैं कि गैस्ट्रुला का प्रोसेस चल रहा है। अब ये दो इवेंट्स कौन से हैं? तो अब ये दो इवेंट्स है, सबसे पहला है, पहले इवेंट्स में क्या हो जाएगा, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, या फिर दूसरा हम पहले ये लेंगे कि डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो ब्लास्टोमियर का होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर, जो हमने ब्लास्टोसिस्ट सेल्स देखे थे, और ब्लास्टोसिस्ट को ही हम यहाँ पे उससे फॉर्मेशन किसका हुआ है, ब्लास्टोमियर का, जो कैविटी के पास थे और कैविटी के लाइनिंग पे थे, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर, और उनका अब क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन होगा, ओके। और दूसरा प्रोसेस होगा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, दूसरा प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, मॉर्फो
जिनेटिक मूवमेंट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन हुआ, किसका हुआ, प्लास्टोमियर का हुआ, और दूसरा क्या हो गया, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस अब क्या है। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। यहाँ पे टू मेन इवेंट्स हो जाएंगे। कौन से टू मेन इवेंट्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर और दूसरा है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। और डिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा, अब ब्लास्टोमियर है उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, उसे अलग अलग किया जाएगा ताकि वो अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म कर सके। ओके, और उसके साथ डिफरेंशिएशन तो हो गया कि किस सेल का क्या फॉर्म होगा, बट आगे जाके उसे क्या करना है, अभी ऑर्गन किस सेल से क्या फॉर्म होगा उसे हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। बट दूसरी बात है कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट मतलब वो जो सेल्स है जिसका जिसका हमने सॉर्टिंग किया है या फिर उसको डिफरेंशिएट किया है, तो वो सेल्स को एक प्रॉपर प्लेस पे भी तो जाना है, तो उस प्रॉपर प्लेस पे उस सेल का जाना है उसे हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। वो जाके मतलब जिस जगह पे किडनी फॉर्म होने वाली है उसी जगह पे ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है किडनी के लिए, मतलब अब अगर यहाँ पे कुछ सेल्स है इनकी अगर किडनी बनने वाली हो तो वो सेल प्रॉपर जाके उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे किडनी का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये दोनों का फ़र्क समझा आपको, डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। डिफरेंशिएशन में बस सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब अगर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो उसमें से ए वाला सेल है उससे अगर किडनी बनने वाली है, बी वाले से क्या बनेगा, हैंड्स बनेंगे, सी वाले से लेग्स बनेंगे, डी वाले से नोज बनेगा, तो ये सारी चीज़ें अगर ऑर्गन या फिर कुछ फॉर्म होने वाला है तो वो डिफरेंशिएट तो हो गए हैं सेल्स कि हाँ इससे ये काम करना है, बट वो काम उसे करना है वो किस जगह पे जाके करना है, तो जिस जगह पे उसको करना है वहाँ पे भी तो उसे भेजना होगा, तो वो जगह पे उसको हम जब भेजते हैं उसे बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। गॉट इट। अब ये दोनों का फ़र्क तो हमने देख लिया, और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, ये दो प्रोसेसेस है वो गैस्ट्रुलेशन के मेन प्रोसेसेस है। अब आगे जाके देखते हैं, अब यहाँ पे अगेन गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में और चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगी, क्या क्या फॉर्मेशन होने वाला है वो देखते हैं। व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन में क्या क्या फॉर्म होगा, सबसे पहली बात है क्या फॉर्म होगा, थ्री जर्म लेयर्स। क्या क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, कौन सी है जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये सारी तीन जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। उसके साथ आगे अब और क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गैस्ट्रुलेशन में फॉर्म होने वाली है, और वो दो इवेंट की वजह से फॉर्म हो जाएगी, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट और डिफरेंशिएशन की वजह से फॉर्म होगी। अब दूसरा क्या होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। ओके,
उसके बाद और क्या होगा? देखिए मेन चीज यहाँ पे हो गई है, सबसे पहले मतलब एम्ब्रियो तैयार होने के बाद सबसे पहले क्या फॉर्म होता है? थ्री जर्म लेयर्स यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, ओके और उसके बाद क्या फॉर्म होगा? एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब आगे क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डिस्क के बाद फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, और बाद में और क्या फॉर्म होगा? फॉर्मेशन ऑफ, आगे देखिए क्या क्या हुआ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एम्ब्रियोनिक डिस्क और एमनियोटिक कैविटी, आगे कोरियन एंड एमनियन, कोरियन एंड एमनियन, ओके ये सारी चीजें जो है उनका, ये सारी चीजों का फॉर्मेशन कहाँ पे होने वाला है? गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान, ओके अब आगे जाके देखते हैं ये सारे फॉर्म कैसे हो जाएंगे। देखिए अब आगे ये फॉर्मेशन इसका कैसे होगा, अब देखते हैं कि फॉर्मेशन के बारे में तो हमने बात कर ली, बट वो एक्चुअल फॉर्म कैसे होंगे? देखिए अब गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान ही एम्ब्रियो जो है उसका कन्वर्जन आगे जाके फीटस में होने वाला है। एम्ब्रियो में अगर गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस हो जाए उसके बाद हम एम्ब्रियो को एम्ब्रियो ना बोल के फीटस बोलने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होने वाला है बाद में? अब ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जब एंड हो जाएगा तो तब से ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे अगेन क्या होगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि एंडोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा। एंडोडर्म फॉर्मेशन, अब ये एंडोडर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होगा अब देखते हैं। सबसे पहले अब क्या होने वाला है, अगेन रेट ऑफ सेल डिवीजन स्लोज डाउन, सेल डिवीजन की रेट है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, ओके और उसके साथ क्या होगा? अब जो सेल्स है आगे जाके सेल डिवीजन की रेट अगर स्लो हो जाएगी तो आगे जाके ये सेल्स को क्या करना है? बस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए अब क्या होगा, अब नाउ हाइपोब्लास्ट सेल्स, देखिए सेल का नाम याद रखिए, कौन से सेल? हाइपोब्लास्ट, ओके हाइपोब्लास्ट जो सेल है, हाइपोब्लास्ट सेल्स, इस नाम को हमेशा याद रखिए। हो सकता है सीटी में या फिर निट में यह आपको इम्पॉर्टेंट हो, ओके अब हाइपोब्लास्ट जो सेल्स है जिसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव प्रिमिटिव
एंडोडर्म सेल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव एंडोडर्म सेल्स, मतलब हाइपोब्लास्ट सेल से ही क्या फॉर्म होने वाला है आगे जाके, एंडोडर्म। एंडोडर्म का जो फॉर्मेशन है वो किससे होने वाला है, हाइपोब्लास्ट सेल से हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन, एंडोडर्म का। ओके आगे देखते हैं आप, बिकम्स फ्लैट, कैसे हो जाएंगे, अब वो फ्लैट हो जाएंगे, कौन से सेल्स, हाइपोब्लास्ट के सेल्स। अब फ्लैट होने के बाद आगे जाके क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए हाइपोब्लास्ट से हमने देखा, हाइपोब्लास्ट क्या करके काम करते हैं, प्रिमिटिव एंडोडर्म करके हम उसे बोल रहे हैं, ताकि वहाँ से उस हाइपोब्लास्ट से, हाइपोब्लास्ट क्या है, दे आर दी ओरिजिन फ्रॉम वेयर एंडोडर्म इज फॉर्मिंग। एंडोडर्म लेयर, तीन जर्म लेयर में से जो एंडोडर्म है वो फॉर्म होगी हाइपोब्लास्ट सेल्स से। अब आगे देखते हैं, अब ये जो हाइपोब्लास्ट है क्या करेंगे, ये सेल्स दे डिवाइड हो जाएंगे, ये सेल्स हाइपोब्लास्ट के सेल्स वो डिवाइड हो जाएंगे और क्या करेंगे, एंड ग्रोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो सारे सेल्स हैं ना वो कहाँ पे हो जाएंगे, ऊपर की तरफ एंडोडर्म फॉर्म हो रहा है, जैसे कि हमने देखा, देखिए यहाँ पे इस तरफ ऊपर की तरफ क्या फॉर्म हो जाएगा, एंडोडर्म, और बाद में वो जो सेल्स है वो नीचे की तरफ आएंगे। ओके वो सेल्स कहाँ पे आएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसे ही हम क्या बोलेंगे, दैट इज ब्लास्टोसील, उसे क्या बोलेंगे हम, ब्लास्टोसील। और अब ब्लास्टोसील या फिर दैट इज ब्लास्टोसील और नियर टू ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ओके अब यहाँ पे आने के बाद क्या फॉर्म हो गया, हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म फॉर्म हो गया, और आगे जाके वो जो सेल्स है वो ब्लास्टोसील से क्या करेंगे, वो नीचे की तरफ आएंगे, किस तरफ, ब्लास्टोसील कैविटी के तरफ। अब नीचे तो आ गए सेल, अब आगे जाके देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। नाउ एंडोडर्म लेयर इज फॉर्म्ड, लेयर इज फॉर्म्ड, एंडोडर्म की जो लेयर है वो अब यहाँ पे जाके क्या हो गई, इज फॉर्म्ड, वो फॉर्म हो चुकी है, मतलब अब एंडोडर्म का फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और वो एंडोडर्म किससे फॉर्म हुआ, हाइपोब्लास्ट सेल से फॉर्म हुआ, और बाद में वो किस जगह पे फॉर्म हुआ, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के ऊपर वाले पार्ट में एंडोडर्म के सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जो जर्म लेयर के सेल्स में से एक टाइप के सेल्स है। अब आगे देखते हैं, आगे जाके क्या हो गया, ये वाली जो लेयर है एंडोडर्म
एंडोडर्म सेल लेयर ग्रोज, वो बढ़ती गई अभी आगे जाके. ओके, एंडोडर्म के जो सेल्स की लेयर थी वो बढ़ती गई और फिर आगे उससे क्या फॉर्म हुआ, ग्रोज इनसाइड, किसके बीच में, इनसाइड ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, इनसाइड ब्लास्टोसिल कैविटी. और जब ये ग्रो होती गई तो अगेन इसने क्या फॉर्म किया, कैविटी, एंड फॉर्म्ड योक सैक. देखिए अब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो चुका है, योक सैक का फॉर्मेशन हो गया. यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, योक सैक का. और योक सैक फॉर्म किससे हुआ है, ब्लास्टोसील के पास फॉर्म हुआ है और वो एंडोडर्म लेयर से ही योक सैक का फॉर्मेशन हुआ. योक सैक का फॉर्मेशन किससे हुआ, एंडोडर्म लेयर से, योक सैक इज फॉर्म्ड. ओके, यहाँ तक आ गए हम लोग. क्या हुआ अब यहाँ पे, एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया, एंडोडर्म का भी फॉर्मेशन हुआ और योक सैक का भी फॉर्मेशन हो चुका है. अब आगे जाके देखते हैं क्या होने वाला है. अब एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखते हैं. अब किसका है फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, अब एक्टोडर्म के फॉर्मेशन के वक्त यहाँ पे क्या होने वाला है. देखिए अब पहले एंडोडर्म फॉर्म हो गया, उससे योक सैक का, योक सैक फॉर्म हो गया हाइपोब्लास्ट सेल से. अब आगे जाके जो एक्टोडर्म है वो किससे फॉर्म होगा, हाइपोब्लास्ट सेल से. एंडोडर्म फॉर्म हुआ था, अब एक्टोडर्म किससे फॉर्म होगा, एपिब्लास्ट सेल से. नाउ एपिब्लास्ट सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, एक्टोडर्म को फॉर्म करेंगे. विल फॉर्म, अगेन बोलती हूँ क्या है, एपिब्लास्ट सेल्स किसको फॉर्म करने वाले हैं, एक्टोडर्म को फॉर्म करेंगे. ये पूरा पिट पैट करके रखो, हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म, एपिब्लास्ट से एक्टोडर्म. अब देखते हैं आगे इसे क्या बोल सकते हैं हम, अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं, एपिब्लास्ट सेल्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी, कौन से सेल्स, प्राइमरी एक्टोडर्म, प्राइमरी एक्टोडर्म. ओके, ये है प्राइमरी एक्टोडर्म सेल्स. अब आगे जाके देखते हैं, अब इससे हमें ये तो पता चल गया कि अगर हम इसको बोल रहे हैं कि प्राइमरी एक्टोडर्म तो इससे क्या होने वाला है, एक्टोडर्म का ही फॉर्मेशन होगा, किससे, एपिब्लास्ट से. अब आगे जाके देखते हैं क्या होगा, जो एपिब्लास्ट सेल्स है एंड एपिब्लास्ट सेल्स के साथ और कुछ है जो आगे जाके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, तो वो है क्या, ट्यूबर्स सेल्स, कौन से सेल्स, ट्यूबर्स सेल्स. अब ये जो ट्यूबर्स सेल्स है और एपिब्लास्ट सेल्स है वो आगे जाके क्या फॉर्म करेंगे वो देखते हैं. फॉर्म फ्लैट
देखिए आगे जाके ये क्या फॉर्मेशन, इनकी वजह से क्या फॉर्मेशन होने वाला है, वो आगे जाके फ्लैट एंड बाय लैमिनर, बाय लैमिनर क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे, कुछ है जिसकी जो एपिब्लास्ट सेल्स और रूबर सेल्स फॉर्म करने वाले हैं। देखिए एम्ब्रियोनिक डिस्क, ओके एम्ब्रियोनिक डिस्क। देखिए अब यहाँ पे पहले हमने क्या देखा था, जब हमने एंडोडर्म का फॉर्मेशन देखा तब एंडोडर्म की लेयर तो फॉर्म हो गई हाइपोब्लास्ट सेल्स से, और उसके साथ ही क्या फॉर्म हुआ था, योक सैक फॉर्म हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एपिब्लास्ट सेल्स से क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक्टोडर्म तो फॉर्म हुआ बट उसके साथ ही क्या फॉर्म हुआ, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ओके देखो ध्यान में रखो, एक्टोडर्म के साथ एम्ब्रियोनिक डिस्क और एंडोडर्म के साथ योक सैक। अब आगे जाके वापस देखते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क के फॉर्मेशन तब तो हम आ गए, अब आगे देखते हैं यहाँ पे वापस। अब नाउ एक्टोडर्मल, नाउ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्टोडर्म इज ऑकर्ड, ओके आगे ये बात समझ में, मतलब यहाँ पे अभी एक्टोडर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। गैस्ट्रुलेशन में हमने देखो क्या क्या देखा, अभी एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों का फॉर्मेशन देखा, उसके साथ एम्ब्रियोनिक डिस्क का भी फॉर्मेशन, योक सैक का भी फॉर्मेशन देखा। अब आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट में क्या होगा, अब क्या फॉर्म होने वाला है, एमनियोटिक कैविटी फॉर्म होने वाली है, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। अब यहाँ पे जाके एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होगा। अब उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अगेन हम बोलेंगे कि सेल्स के बारे में बात करेंगे, सेल्स ऑफ एपिब्लास्ट, अगेन देखते हैं यहाँ पे। नाउ एपिब्लास्ट सेल्स, ओके यहाँ पे अगेन कौन से सेल्स काम कर रहे हैं, एपिब्लास्ट सेल्स। नाउ एपिब्लास्ट सेल्स डिवाइड्स एंड रीडिवाइड, मतलब रीडिवाइड का मतलब क्या होता है, दे विल डिवाइड अगेन एंड अगेन, डिवाइड एंड री, वेट अ मिनट, रीडिवाइड, और डिवाइड होने के साथ में वो सेल्स में क्या होगा, रिवाइड और रीडिवाइड हो गए, और उसके साथ आगे उसमें अगेन एक क्या होने वाला है, एक डेवलपमेंट होगा। अब क्या होगा, दे इनक्लोज, दे इनक्लोज एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक दे इनक्लोज्ड एमनियोटिक कैविटी, वो अब एमनियोटिक कैविटी जो है उसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ओके कौन से सेल्स, एपिब्लास्ट वाले सेल, और ये हम किस में पढ़ रहे हैं, एमनियोटिक कैविटी के फॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं। अब एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होने वाला है और उसको एनक्लोज कौन करेगा, एपिब्लास्ट के सेल्स, मतलब उसके ऊपर एमनियोटिक कैविटी के ऊपर या फिर बाहर से कौन प्रेजेंट है, एपिब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है। ओके
अब देखते हैं आगे जाके इसके फ्लोर पे एट द फ्लोर मतलब नीचे की साइड पे, ओके नीचे की साइड से एमनियोटिक कैविटी के नीचे की साइड से कैसे डेवलपमेंट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे उसके फ्लोर पे क्या होने वाला है। एट द फ्लोर ऑफ एमनियो एट द फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी क्या होगा इसकी फ्लोर पे। एमनियोटिक कैविटी है उसकी फ्लोर पे क्या होने वाला है, अब किसी चीज का फॉर्मेशन होने वाला है, एम्ब्रियोनल डिस्क एट द फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी। एम्ब्रियोनल डिस्क इज एम्ब्रियोनल डिस्क मतलब क्या है, एमनियोटिक कैविटी है और उस एमनियोटिक कैविटी के पास ही क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोनल डिस्क जो है वो प्रेजेंट होगी, इज प्रेजेंट। अब देखिए अगेन आपको ये पता नहीं होगा कि एमनियोटिक कैविटी और एम्ब्रियोनल डिस्क ये दोनों का काम क्या है, ये यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं सारे तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो उसका होगा। मतलब देखिए मैं ऐसे सुपरफिशियली आपको बोलती हूँ एक बार क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो ये वाला है यूटरस का वॉल और यहाँ पे हमने क्या देखा, फीटस है और फीटस हमने क्या देखा था, यहाँ पे एनिमल पोल था, एनिमल पोल या फिर हम एम्ब्रियोनल पोल बोल सकते हैं यहाँ पे था। तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो होता है एम्ब्रियो की पोजीशन ऐसे होगी और फिर उस एम्ब्रियो को अटैच्ड क्या होगा यहाँ पे, एमनियन होगा साइड से और यहाँ पे योक सैक भी होगा और साइड से होगा कोरियन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोलते हैं इसे, इससे यहाँ पे कोरियन होगा, ये वाला एमनियन होगा और वहाँ पे अगेन यहाँ पे एक जगह पे योक सैक होगा, ओके और यहाँ पे एक डिस्क लाइक पोर्शन होगा, इसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल डिस्क, इसे क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल डिस्क और उसके ऊपर एम्ब्रियो की पोजीशन होगी ताकि उस एम्ब्रियो को, और ये सब है इनको किससे किया गया है कनेक्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके यहाँ पे होगा अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें किसमें होगी, डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि और इसीलिए हम लोग ये सारी डेवलपमेंट ये सारे पार्ट्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए एम्ब्रियोटिक कैविटी के बारे में हमने पढ़ा और डिस्क के बारे में, एम्ब्रियोनल डिस्क के बारे में पढ़ा। अब ये जो एम्ब्रियोटिक कैविटी होती है ना वो किस लिए यूज़ होती है, कि ये जो एम्ब्रियोटिक कैविटी है इसके अंदर जैसे फीटस की डेवलपमेंट होगी तो फीटस क्या करेगा, जो भी योग प्रेजेंट है एग के अंदर उसे एज अ फूड करके यूज़ करेगा। बट जो एम्ब्रियोटिक कैविटी है वो फीटस जब डेवलप हो रहा है वो फूड तो लेगा और साथ में कुछ फीकल मैटर है या फिर टॉक्सिक मैटर है उसे वो किस में डालेगा, इस एम्ब्रियोटिक कैविटी के अंदर। इसलिए यहाँ पे एम्ब्रियोटिक कैविटी का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए एम्ब्रियोटिक कैविटी का भी, जैसे योक सैक है वैसे ही एम्ब्रियोटिक कैविटी भी है, दोनों में क्या है कैविटी है और वहाँ पे स्पेस है। और जैसे जैसे इस फीटस की, आगे जाके हम इसे फीटस बोलेंगे अभी तो एम्ब्रियो बोल रहे हैं, तो इस फीटस की जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे क्या होगा, एम्ब्रियो जो है या फिर फीटस जो है वो क्या करेगा, फूड के रूप में किसे खा लेगा, योक को खा लेगा और फिर ये जो एम्नियोटिक कैविटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, योक की कैविटी कम हो जाएगी, जैसे बर्थ का टाइम पास में आ जाएगा इस फीटस के
वैसे ही जो योग की कैविटी है, योग की सैक है, वो कम हो जाएगी और एमनियोटिक कैविटी है वो पूरी फिल हो जाएगी। किससे? उस फीटस के फीकल मैटर से। गॉट इट? अब देखते हैं, ये मैंने आपको बीच में क्यों बोला, क्योंकि आपको बोरिंग लग जाएगा कि क्यों हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कि एमनियोटिक कैविटी क्यों पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोनल डिस्क क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर पता होगा कि वो जो एम्ब्रियोनल डिस्क या फिर एमनियोटिक कैविटी है, वो उसका यूज़ क्या है फिटस के लिए, तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, अब आगे जाके देखते हैं वापस। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, एमनियोटिक कैविटी भी फॉर्म हो गई, एम्ब्रियोनल डिस्क भी फॉर्म हो चुका है। अब आगे जाके देखते हैं क्या होने वाला है। अब आगे आगे की स्लाइड पे देखें या फिर यहीं पे देखते हैं? ओके, देखिए अब यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी और एम्ब्रियोनल डिस्क दोनों का फॉर्मेशन हो गया है। फिर आगे जाके फ्लोर तो देखा हमने, नाउ एट द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी एमनोजेनिक सेल्स आर प्रेजेंट। कौन से सेल्स है? एट द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी इट इज एट द, एक काम करती हूँ मैं, ये सारा रफ ही कर देती हूँ। ओके, अब देखते हैं आगे। ओके, आगे देखते हैं। एट द रूफ ऑफ एमनियोटिक कैविटी इट इज लाइंड बाय एमनोजेनिक सेल्स, एमनोजेनिक सेल्स, एमनोजेनिक सेल्स से इसका जो रूफ है, किसका? एमनियोटिक कैविटी का, वो उससे लाइंड है। लाइंड है मतलब वहाँ पे, उसके लाइन पे, यहाँ पे अगर ये एमनियोटिक कैविटी है और यहाँ पे सारे क्या प्रेजेंट है, सारे सेल्स प्रेजेंट है। ओके, अब आगे वापस देखते हैं कि यहाँ तक तो आ गए कि वहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है। अब आगे जाके देखते हैं क्या प्रेजेंट है। अब एमनोजेनिक सेल्स है, नाउ एमनोजेनिक सेल्स, एमनोजेनिक सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? एम्ब्रियोनिक एमनियोटिक कैविटी के लाइन पे, उसके बॉर्डर पे प्रेजेंट है। अब वो क्या करेंगे? वो अगेन क्या हो जाएंगे? डिवाइड एंड रीडिवाइड। अगेन दे आर गोइंग टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। उसमें भी क्या होने वाला है? अगेन डिवीजन वापस उसमें होगा। किसमें? ये जो एमनोजेनिक सेल्स है उनका भी डिवीजन होगा। अब डिवीजन क्यों होता है? ताकि उनका नंबर बढ़ जाए। वो नंबर क्यों बढ़ेगा? ताकि वो एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करे। तो आगे जाके देखते हैं। एंड फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब वो क्या फॉर्म करेंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को वो क्या करने वाले हैं यहाँ पे? फॉर्म करेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है और उसका काम क्या होगा? टू प्रोटेक्ट फीटस। ओके,
और फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का काम होगा। मतलब कौन सी है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं हम कोरियोन। वो किसका फॉर्मेशन होगा, अब कोरियोन का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे जाके जो फॉर्मेशन हो गया है, किसका फॉर्मेशन हुआ है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। अब आगे लास्ट में क्या होगा, नाउ एम्ब्रियोनिक डिस्क का मैंने आपको लोकेशन दिखाया था कहाँ पे एम्ब्रियोनिक डिस्क है, जहाँ पे जैसे कि ये वाला था डिस्क और इसके ऊपर था फीटस या एम्ब्रियो, और उसके नीचे मैंने आपको बोला था यहाँ पे होगा योक सैक और यहाँ पे होगा एमनियोटिक कैविटी और उसको कवरिंग होगा कोरियोन का। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, डिस्क इज प्रेजेंट, ये जो डिस्क है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बिटवीन, किन दो चीजों के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क तो प्रेजेंट है और डिस्क के ऊपर कौन है, एम्ब्रियो है, या आगे जाके हम जिसे फीटस बोलेंगे वो उस डिस्क के ऊपर, दैट फीटस और एम्ब्रियो इज लाइंग ऑन दैट एम्ब्रियोनिक डिस्क, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, एमनियोटिक कैविटी। ओके, अब यहाँ पे जो डिस्क है वो किस में आएगा, किसके बीच में आएगा, एमनियोटिक कैविटी एक साइड पे आएगी और एक साइड पे योक सैक आएगा, एंड योक सैक। ओके, आगे देखते हैं एक बार, कहीं पे मैंने पिक्चर डाला है क्या उसका, नहीं है। यहाँ पे आने के बाद किसका किसका फॉर्मेशन हो चुका है, अभी एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियोनल डिस्क का फॉर्मेशन हुआ, और उसके साथ ही अब उसका एक पोजीशन फिक्स हो गया, ताकि वो जो एम्ब्रियो है उसके लिए ये वाली जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसके प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करे। गॉट इट, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब एमनियोटिक कैविटी के फॉर्मेशन तक हमने कंप्लीट किया। अब आगे जाके देखेंगे एक्चुअल इस गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में जितने हमने देखे थे क्या क्या कंप्लीट होता है, ये सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो हम लोग आगे का जो है, जो प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन है, उसे देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसके लिए ये अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगे या कुछ ट्रिकी लगे तो आपको क्या करना है, इसे बार बार पढ़ो और डायग्राम में देखो, मेन चीज़ आपको डायग्राम में दिखेगी। आगे वापस मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे क्लीवेज जायगोट है, यहाँ पे एड सेल का स्टेज है, उसके बाद उसका ब्लास्टुला फॉर्म हो चुका है, और फिर देखिए यहाँ पे ब्लास्टोसील फॉर्म हुआ है, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ब्लास्टोसील मतलब एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ। और बाद में गैस्ट्रुलेशन होता है ना, तो गैस्ट्रुलेशन के वक्त क्या होता है, यहाँ पे अभी थ्री जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होने वाला है, और वो थ्री जर्म लेयर्स के वक्त क्या होता है, वो जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हो जाती है, तो वो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ये सेल्स को अंदर क्या करेंगी, दे विल मेक अ फरो, या फिर वो अंदर उसको पुश करेंगी, और अंदर पुश करने के बाद यहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे तीन जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसे हम बाद में लास्ट में इसे हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। और बाहर ये जो बाहर वाले सेल है, बाहर वाले सेल है ये है एक्टोडर्म, जो अंदर वाले है वो है एंडोडर्म, और इसके ऊपर वाले जो सेल्स है वो है ब्लास्टोसील सेल्स। ओके, यहाँ पे हमने एंडोडर्म और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन देखा है, और आगे वाले लेक्चर में हम मीजोडर्म का फॉर्मेशन और साथ में ही प्रिमिटिव जो स्ट्रिक है उसका फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगेन एक बार देखिए आप लोग, देखिए ये वाला है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, जो मैंने आपको सबसे पहले बताए थे,
देखिए यहाँ पे थे ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पे कौन से सेल्स थे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे, और वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, इम्प्लांटेशन के वक्त ही वो एम्ब्रियो के साइड में या फिर पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ये पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट है और उसके अंदर इनर सेल मास प्रेजेंट है, और आगे जाके यहाँ पे उस इनर सेल मास की जगह पे एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट हो जाएगी और उसके साइड से क्या फॉर्म होगा, एक्टोडर्म वाले सेल्स है वो फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या करना है, वो जो फीटस है या फिर एम्ब्रियो है उसका आगे जाके ऑर्गेनोजेनेसिस होने वाला है, इसलिए पहले ये सारी चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी। और फिर आगे जाके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, देखिए ये वाली जो है ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, मतलब वो कोरियन का फॉर्मेशन हुआ है, और ये जो है एंडोडर्म का फॉर्मेशन अंदर से हुआ है, और जो एक्टोडर्म है ये बाहर वाली लेयर है और एंडोडर्म है वो अंदर वाली लेयर है, और ये वाला जो पार्ट है ये हम कल देखेंगे क्या है इसके अंदर, प्रिमिटिव स्ट्रिक कैसे फॉर्म हो गई है, और मीजोडर्म जो है देखिए ये वाला था बाहर का, ये वाला है एमनियोटिक कैविटी, और उसके साथ ही ये वाले है एक्टोडर्म, देखिए ये वाले हैं एक्टोडर्मल सेल्स, और उसके साथ हैं ये वाले एंडोडर्मल सेल्स, और उनके बीच में यहाँ पे क्या है मीजोडर्म, और बीच में से कैविटी जाएगी या फिर स्ट्रिक लाइक स्ट्रक्चर जाएगा, इसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रिक, और ये वाला जो पार्ट है ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज मैंने सुपरफिशियल आइडिया तो आपको दे ही दिया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं, कल के लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए और डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो हैव अ नाइस डे, बाय।